इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कि पिछले 10 साल की ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है, तो ये गलत नहीं होगा। वो ये कि अमेरिका ने और उसके इतिहादियों ने G7 के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस किया है, पर्टिकुलरली वैसे ये व्हाइट हाउस की इंफॉर्मेशन है अभी, कि एक नया पैकेज लेके आ रही है G7 पूरी दुनिया के लिए और पर्टिकुलरली डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। और इस पैकेज का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव इसे कहा जा रहा है, जिसके तहत तकरीबन $40 trillion जो है वो 2035 तक जो है वो लगाए जाएंगे, और ये व्हाइट हाउस ने बेसिकली कहा है। ऑब्वियसली ये जो जिसको बोलते हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W इनिशिएटिव जो है, ये अमेरिका ये समझता होगा या उसके बाकी इतिहादी ये समझते होंगे कि ये ऑलरेडी लेट हैं, क्योंकि जो 2016 से लेके 2020 तक प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के सदर रहे, तो वो जो मल्टीलैटरल अरेंजमेंट थे और जो अमेरिका का एक ग्लोबल रोल था या वो जो एक आइडिएशनल लीडरशिप इंजॉय कर रहा था अमेरिका, उससे पीछे हट गए थे। तो अभी देखा जाए ये जो $40 trillion का पैकेज है, ये कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली बात करूंगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2013 में जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक पैकेज लेके आया था, प्रोग्राम लेके आया था, जो कि $multi-trillion इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है देखा जाए तो, और तकरीबन मोर देन 100 countries जो है, 100 ममालिक से ज्यादा जो है वो इसको साइन कर चुके थे और वो कोऑपरेट करते थे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, और तकरीबन जो 6 corridors बन रहे थे उसमें इसका बड़ा अहम रोल था। और बेसिकली ये जो एक इनका एंशियंट सिल्क रूट ट्रेड रूट था उसको रीएक्टिवेट करना चाह रहे थे। और इसमें अगर देखा जाए तो ये एक इतना बड़ा पैकेज था और इतना बड़ा पैकेज है कि आप ये समझ लें कि तकरीबन पूरी दुनिया में 2600 प्रोजेक्ट्स जो थे वो ऑलरेडी चल रहे थे, जिनकी कॉस्ट $3.7 trillion थी इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के। सो अब ये आप ज़हन में रखें कि अभी तक 2600 प्रोजेक्ट्स विद द कॉस्ट ऑफ $3.7 trillion जो है वो चल रहे हैं, और इसमें से अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो तकरीबन कहा जा रहा है कि 20% जो प्रोजेक्ट्स थे इन 2600 में से वो कोविड की वजह से इफेक्ट हुए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंडिया का रोल भी बड़ा अहम है अगर आप देखें, क्योंकि इंडिया जो है वो उन ममालिक में से है जो ऑब्वियसली वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं, और अमेरिका जो था, जो इंडो पैसिफिक अपनी स्ट्रेटजी लेके आया था, तो उसमें इंडिया ही वो अकेला मुल्क था जो इस पूरे खित्ते में चाइना के अगेंस्ट अमरीका जो था वो समझता था कि इस काबिल है या इस कैपेबिलिटी रखता है कि चाइना का मुकाबला कर सकता है। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वो चाइना जो कि बेसिकली अगर आप चले जाएं आज से 20 साल पहले चले जाएं, 30 साल पहले चले जाएं, तो चाइना की जो टोटल इकोनॉमी है वो इटली के बराबर भी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब ये फिर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन हुआ और उसके बाद जब फ्री मार्केट इकोनॉमी आई, ग्लोबलाइजेशन आई, तो उसके बड़े जो ऑब्वियसली मल्टीपल जो इफेक्ट हैं वो हुए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई, तो चाइना ने पिछले जो 1979 ऑनवर्ड जो है, जो मेरा ख्याल है दैट वाज एन एरा ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग शोपोंग का एरा था, वहां से चीजें जो थी बहुत तेजी से चाइना ने डेवलप करनी शुरू की। अब देखना यह है कि जो अमेरिका ये इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहा है अलोंग विद दी अदर कंट्रीज, ये बेसिकली एक रिलीफ है उन ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए भी एक रिलीफ है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो था दैट वाज ऑल इन चाइना के हम वेब में आ चुके थे और हमें हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, हम कहाँ जाएं, यूरोप और अमेरिका पाकिस्तान में उस तरह इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाह रहे थे, हमारी इकोनॉमी उस तरह डेवलप्ड नहीं थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी का सहारा ले सकते। लेकिन अभी भी थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। वो फर्क क्या नजर आ रहा है कि जो चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके आया था, वो तो बेसिकली आप ये समझ लें कि
ये एक सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, या आप ये समझ लें कि ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन थे, रूट्स बनाने थे और कनेक्ट करना था बेसिकली, जिसको आप बोलते हैं कि 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड की बात हो रही थी। लेकिन जो ऑब्वियसली जो काम अमेरिकन्स ने तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी खबरों में से ये खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस सदी की भी ये बड़ी खबरों में शामिल होगी। वो इसलिए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का दुनिया में चर्चा है जो चीन ने शुरू किया, 139 ममालिक को ये प्रोजेक्ट जोड़ता है। अब अमेरिका ने ये सोचा कि मैं अकेला मुकाबला नहीं कर पा रहा चीन का, तो लिहाजा उसने अब अपने इतिहादियों को साथ मिलाया है। G7 ममालिक ने मिलकर अब ये फैसला कर लिया है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी सी पैक, जिसको हम समझते हैं, जिसको सी पैक कहते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की अगर बात की जाती है तो इसमें सी पैक ही है जो पाकिस्तान जिससे जुड़ रहा है, जिसके जरिए से पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ता है। तो अब उसके मुकाबले में, सी पैक के मुकाबले में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में अमेरिका और उसके इतिहादी G7 मालिक ने फैसला कर लिया है कि एक अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से भी बड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, BBC, अल जजीरा, इकोनॉमिस्ट, दुनिया भर के इदारे इस वक्त इस पर लगे हैं, और ये इतनी बड़ी खबर है कि आप सिर्फ नंबर से ही अंदाजा लगा लें। BBC जो कोट कर रहा है, BBC लिख रहा है $400 खरब, $400 खरब, जो मैंने हिसाब किताब लगाया है अगर मैं गलत नहीं तो ये $40,000 अरब बनते हैं। $40,000 अरब का प्लान लेकर आ रहा है अमेरिका और उसके इतिहादी G7 मालिक, उन्होंने फैसला कर लिया है, सब अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी खबर है, अंदाजा लगाइए। और क्या है इसमें कि जी जिन ममालिक के साथ चीन मुआहिदा कर रहा है हम उनको कहेंगे कि हम आपको एक ऑल्टरनेट दे रहे हैं चीन से भी बेहतर, यानी जिन शराइत पर चीन कर्जे दे रहा है या जितने मुनाफे पर दे रहा है, जिन शराइत पर भी दे रहा है, जितने तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान के दो पत्रकार बेसिकली बात कर रहे थे, अमेरिका ने जो G7 समिट पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में। गाइज आपको पता होगा चाइना वन बेल्ट वन नेशन का एक ट्रेड रूट बना रहा है जिसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में ये प्रोजेक्ट CPEC नाम से जाना जाता है। इंडिया को भी चाइना ने न्योता दिया था कि आप इसमें शामिल हो, तो इंडिया ने मना कर दिया था। हालांकि इसमें नेपाल शामिल है ये आपको बता दें, बांग्लादेश शामिल हो ही नहीं सकता क्योंकि भारत बीच में पड़ जाता है, भारत रूट ही नहीं देगा, और म्यांमार भी पाकिस्तान दावा करता है कि वो भी शामिल है। हालांकि पाकिस्तान तो जब ये दावा करता है कि नेपाल भी CPEC का बना हिस्सा, म्यांमार भी CPEC का बना हिस्सा, मतलब इन बेवकूफ़ों को इतनी भी अकल नहीं है। ये पत्रकार जो पास्ट में खुद न्यूज़ में बैठकर ये चीज़ें कर चुके हैं, इसे CPEC का हिस्सा ना बोलें, वन बेल्ट वन नेशन का हिस्सा बोलें जो चाइना का प्रोजेक्ट है तो सही रहेगा, CPEC का हिस्सा कैसे बन सकता है वो। तो गाइज अमेरिका इसके काउंटर में G7 समिट में जो अमेरिका ने अनाउंस किया है वो बहुत बड़ा अमाउंट किया है, और इसमें ट्रेड रूट के लिए सी, रेलवे लाइन और सड़क तीनों का इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत सारे देश कनेक्ट किए जाएंगे। तो ये बेसिकली भारत भी इसमें कनेक्ट हो सकता है, लेकिन भारत को कनेक्ट होना है तो पाकिस्तान इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करे, और पाकिस्तान अमेरिका का गुलाम रह चुका है और अभी भी गुलाम है। चाइना पाकिस्तान को लोन देता है, कर्ज में पैसा नहीं देता। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कर्ज में पैसा भी देता है और लोन भी देता है। तो पाकिस्तान के जो अब पॉलिसी मेकर हैं वो डेफिनेटली अमेरिका की ओर शिफ्ट करेंगे, और चाइना का जो पुराना लोन वोन है वो पाकिस्तान तो चुका नहीं पाएगा। लेकिन अब देखते हैं आने वाले समय में सिचुएशन क्या बनती है। हालांकि अब ये इंडिया के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि आपको भी पता है हमने चाइना को पहले ही मना कर दिया, तो हमें ऐसा ही कुछ सिस्टम चाहिए था जो कि हमें दूसरे देशों से कनेक्ट कर सके और हम उसमें व्यापार कर सकें। तो गाइज अगर ये इंडिया में कनेक्ट होता है तो जो इस तरफ का हिस्सा है, पाकिस्तान तरफ का हिस्सा, मतलब वेस्ट वेस्ट का पार्ट है, वहाँ से अगर आपको कनेक्शन चाहिए, मतलब दूसरे देशों से कनेक्टिविटी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली पाकिस्तान से ही रूट निकालना पड़ेगा। और जो ईस्ट का है, ईस्ट में तो इंडिया डेफिनेटली बांग्लादेश, म्यांमार सबके साथ कॉपरेट करके निकाल सकता है रूट, लेकिन अब इंडिया को वेस्ट का रूट चाहिए तो इंडिया
को जो इन फ्यूचर अगर सेंट्रल एशिया तक पहुंचना है तो इस इनिशिएटिव में तो इंडिया डेफिनेटली हिस्सा लेगा, और पाकिस्तान अगर इसमें आ जाता है तो इंडिया सेंट्रल एशिया में आसानी से पहुंच जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसका जो मतलब सिस्टम रहेगा वो एक देश दूसरे देश को अपना लैंड देंगे, रूट देंगे, जो कि अमेरिका बनाएगा। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और अमेरिका ये क्यों कर रहा है, अमेरिका को पता है कि अमेरिका को अपना वर्चस्व, मतलब जो सुपर पावर का वर्चस्व है, अगर भविष्य में उसे कायम रखना है तो डेफिनेटली उसे इस तरीके का कुछ इनिशिएटिव लाना था जो चाइना पहले से ला चुका है। लेकिन अब अमेरिका के सामने एक समस्या है, जो देश चाइना से जुड़े हुए हैं उनको कैसे उससे निकालें और इसमें कैसे ऐड करें। तो गाइज, आपके इस बारे में क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।